हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग समुच्चय की प्रश्नावली 1.5 का अध्ययन आज करेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 में हैं, जिसमें हमें पहली सवाल में बताया गया है या दिया गया है कि यू बराबर 1, 2, 3, 4, मतलब हमारे पास क्या है, 9 तक संख्याएं हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरा समुच्चय लिखा है ए, इसमें हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4 है। बी बराबर हमारे पास है 2, 4, 8। इसी प्रकार सी में हमारे पास है 3, 4, 5 और 6। उन्होंने हमसे पूछा है कि ए डैश ज्ञात कीजिए, बी डैश ज्ञात कीजिए, ए यूनियन सी का होल डैश ज्ञात कीजिए। तो हम सभी सवालों को धीरे धीरे बढ़ते हुए लगाते रहेंगे। देखिए, ए डैश क्या ज्ञात करना है हमें, ए डैश ज्ञात करना है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में बताया था। ये क्या है, ए डैश का मतलब है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। पूरक समुच्चय किसे कह रहे हैं, तो यू में से यू के वे अवयव जो ए में नहीं है क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है। पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमेशा हमें क्या, सार्वत्रिक समुच्चय की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि जिस समुच्चय का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना होता है वह सार्वत्रिक समुच्चय का उपसमुच्चय होना चाहिए। ठीक है, देखिए ए डैश ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, यू माइनस ए। क्या लिखेंगे, यू माइनस ए। अब यू माइनस ए का मतलब हम लोगों ने समुच्चयों में अंतर पढ़ा है कि यू के वे अवयव हमें ध्यान पहले वाली बात पे देना होता है, पहले समुच्चय पे देना होता है। यू के वे अवयव जो ए में नहीं है, यू के वे अवयव जो ए में नहीं है। तो देखिए यू में कौन है, 1, 2 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, और ए में कौन है, 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं हैं। तो जो बच गई हैं वो कौन कौन है, 5 बच गया, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारा क्या हो गया, ए डैश हो गया। क्या हो गया, ए डैश हो गया। इसी प्रकार से इसी सवाल में हमें दूसरे सवाल में पूछा गया है बी डैश। क्या पूछा गया है, बी डैश। तो बी डैश के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यू माइनस बी। क्या लिखेंगे, यू माइनस बी। बी के वे, यू के वे अवयव जो बी में नहीं है, यू के वे अवयव जो बी में नहीं है, तो वह कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से, यू देखिए और बी देखिए। यहां यू है हमारे पास और ये कौन है, बी। क्या है, 2 है 4 है 8 है। मतलब हमारे पास कौन है, 2 मिल गया 4 मिल गया 8 मिल गया, शेष अवयव नहीं मिले हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन, 1। हमें आंसर यू से लिखना है, किससे लिखना है, यू। हमने आपसे कहा है कि आपको ध्यान जो देना है वो पहले वाले समुच्चय पे देना है, पहले वाला समुच्चय यू है, इसलिए आंसर भी कहां से लिखे जा रहे हैं, यू से लिखे जा रहे हैं। 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 9 हो गया। ठीक है ना, 1, 3, 5, 6, 7 और 9, ये हमारा क्या हो गया, बी डैश हो गया। इसी प्रकार अगले क्रम में उन्होंने हमसे पूछा है तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा है ए यूनियन सी का होल डैश ज्ञात कीजिए, ए यूनियन सी का होल डैश। ठीक है, हम लोगों ने इसके लिए क्या पढ़ा है, हम लोगों ने इसके लिए गुणधर्म भी पढ़ा है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं। अगर आप इसे यूनियन में ज्ञात करना चाहें तो आप इसे ज्ञात कर सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। या आप सबसे पहले क्या करें, ए यूनियन सी निकालें। क्या निकालें, ए यूनियन सी निकालें, और ए यूनियन सी निकाल करके उसका क्या कर दें, डैश निकाल लें। ठीक है ना, आप दोनों तरीकों से जा सकते हैं। पहला तरीका है आप गुणधर्म लगा के जाएं कि ए डैश निकालें, सी डैश निकाल करके इंटरसेक्शन कर दें, या आप ए यूनियन सी निकालें और उसका क्या कर दें, डैश कर दें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले तो आपको ए यूनियन सी निकाल रहे हैं। ए यूनियन सी का मतलब है ए और सी को मिला के लिखा जाना। ए और सी को जब मिला के आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 1 आएगा 2 है 2 भी आएगा, कौन आएगा, 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा और कौन, 6 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन सी मिल गया, हमें ए यूनियन सी का होल डैश ज्ञात करना है। तो इसे लिखेंगे क्या, ए यूनियन सी का होल डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन सी। ठीक है ना, ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं। तो यू के वे अवयव जो ए यूनियन सी में नहीं है, यू के कौन कौन से अवयव हैं, ऐसे यू में देखिए ध्यान से, यू में कौन कौन से अवयव आपको मिलेंगे, 1 से लेकर के
छह तक की संख्याओं को छोड़ दीजिए, शेष संख्याएं जो रहेंगी अगर तो वे क्या कहलाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाएंगी, ए यूनियन सी का होल डैश। देखिए ध्यान से, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी में एक से छह तक है, इसे छोड़ दीजिए तो बचा कौन, सात आठ और नौ, ये सात आठ और नौ, ठीक है ना। ये रहा आपका क्या, ए यूनियन सी का होल डैश। आप चाहें तो गुणधर्म लगा सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश भी, ठीक है। आगे देखिए, अगली सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर चार। सवाल नंबर चार में उन्होंने हमसे कहा है ए यूनियन बी का होल डैश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश का क्या अर्थ है, हम लोग ए यूनियन बी का होल डैश ज्ञात करेंगे तो फिर गुणधर्म लगा सकते हैं उसी प्रकार से, तो यहां क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अगर आप देखें तो हमने पहले ही ए डैश निकाला है और यहां क्या निकाला है, बी डैश निकाला है, इन दोनों का क्या ज्ञात कर लें, इंटरसेक्शन ज्ञात कर लें तो भी हमारा आंसर वही रहेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए डैश हमारे पास क्या है, ए डैश हमारे पास है पांच छह सात आठ और नौ, यहां लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, पांच छह सात आठ और नौ, हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, एक तीन पांच, किसके साथ, एक तीन पांच, एक तीन पांच छ सात और नौ, अगर इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में वे अवयव आते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहां कौन है, छ है, अच्छा पांच भी है, तो यहां सबसे पहले पांच लिखेंगे, फिर छह लिखेंगे, फिर सात लिखेंगे और आठ लिखेंगे और कौन, नौ, ठीक है। अच्छा, आठ उभयनिष्ठ नहीं है, आठ उभयनिष्ठ नहीं है, केवल कौन है, पांच है, फिर छह है, सात है, आठ नहीं है, नौ है, ठीक है। यह रहा आपका आंसर, ए यूनियन बी का होल डैश। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात कर लीजिए, क्या ज्ञात कर लीजिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ज्ञात करने का मतलब ए और बी को मिला लीजिए, ए और बी को क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, अर्थात यहां हो जाएगा एक दो तीन चार, एक दो तीन चार और कौन, आठ, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी का होल डैश ज्ञात करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी कर सकते हैं, ठीक है। अब यू के वे अवयव जो ए यूनियन बी में नहीं है कौन कौन है, एक है, दो है, तीन है, चार है, लेकिन पांच यहां नहीं है, इसलिए यहां जो सबसे पहले अवयव लिखा जाएगा वो पांच होगा। आगे बढ़ेंगे तो छह लिखा जाएगा, आगे बढ़ेंगे सात, सात यहां नहीं है, सात भी लिखा जाएगा, आठ यहां है, आठ नहीं लिखा जाएगा, नौ नहीं है, नौ भी लिखा जाएगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी का क्या, होल डैश, पांच छ सात और नौ। ये देखिए यहां भी ये भी आंसर सही था और ये भी आंसर, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़े अगली सवाल की ओर, तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है, पांचवी सवाल में हमसे उन्होंने पूछा है क्या, ए डैश का होल डैश, ए डैश का होल डैश, ठीक है। ए डैश का होल डैश हमने अभी अभी आप, हमने आपको पूरक समुच्चय के गुणधर्म में बताया था, यदि किसी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो वो क्या होती है, स्वयं समुच्चय आता है, क्या आता है, स्वयं समुच्चय आता है। तो ध्यान से देख लीजिए, इसे लगाने का जो दूसरा तरीका है वो कौन सा है, ये तो गुणधर्म से हमने लगाया है। आप चाहें तो ए डैश ज्ञात कर लीजिए सबसे पहले, क्या, ए डैश, ए डैश तो हमने यहां ज्ञात किया है, कहा आया है ए डैश, पांच छ सात आठ और नौ, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं पांच छ सात आठ, पांच छ सात आठ और नौ, इसका क्या ज्ञात करना है, होल डैश, क्या ज्ञात करना है, होल डैश। जब होल डैश ज्ञात करेंगे तो इसमें से कौन कौन से अवयव आएंगे, कौन कौन से अवयव आएंगे, पांच छ सात आठ नौ को छोड़ करके, तो कौन कौन बचेगा, पांच छ सात आठ को छोड़ेंगे तो एक दो तीन और चार, कौन आएगा, एक दो तीन और चार। तो ये रहा आपका क्या, ए डैश का होल डैश, ये समुच्चय ए ही है, इसलिए इसका आंसर क्या क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। एक और सवाल है, कौन, बी माइनस सी का होल डैश क्या है, छठवीं सवाल है, बी माइनस सी का होल डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बी माइनस सी निकालेंगे, हमें ध्यान किस पे देना है, समुच्चयों में अंतर निकालते समय हमें ध्यान देना होता है,
पहले समुच्चय पर। पहला समुच्चय हमारा कौन है? बी। दूसरा कौन है? सी। बी के वे अवयव, बी के वे अवयव जो क्या हो, सी में ना हो। तो बी के कौन कौन से अवयव हैं जो सी में नहीं है? पहला तो यहाँ दो है, यहाँ दो नहीं है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? दो लिखा जाएगा। यहाँ तीन है, यहाँ नहीं, बी के बी से ध्यान रखना है, तो यहाँ चार है, यहाँ चार है, यहाँ आठ है, यहाँ आठ नहीं है, तो कौन लिखा जाएगा? दो और आठ। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका डैश ज्ञात करना है। तो जब इसका डैश ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? बी माइनस सी का होल डैश बराबर क्या लिखेंगे? यू माइनस क्या लिखेंगे? यू यू अच्छा बी माइनस सी का होल डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमने यहां जो ज्ञात किया है वो क्या है? बी माइनस सी। ये क्या है हमारे पास? बी माइनस सी। तो यहां हो जाएगा क्या हमारे पास? ये हो जाएगा, इसे लिख देते हैं हम, यहां हम लोगों ने इसे क्या ज्ञात किया? बी माइनस सी। अब हम बी माइनस सी का होल डैश ज्ञात कर रहे हैं, जिसे लिख देते हैं यू माइनस बी माइनस सी का बी माइनस सी। तो देखिए यू कौन है? यू हमारा क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है, एक से लेकर नौ तक है, और बी माइनस सी में कौन है? दो और आठ। तो दो और आठ को छोड़ करके शेष सभी क्या कहलाएंगे? बी माइनस सी का होल डैश, मतलब एक तीन चार पांच छ सात और नौ, ये हमारा क्या कहलाएगा? बी माइनस सी का होल डैश। ठीक है, इस प्रकार पहली सवाल की ये रही आपके सभी सवालों के आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या दो की ओर। प्रश्न संख्या दो में उन्होंने कहा है कि यदि क्या कहा है? यदि U बराबर A से लेकर कहां तक? यश तक। U बराबर A समुच्चय A B C D E F G और H। आगे उन्होंने कहा है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, उन्होंने सिर्फ U के बारे में बताया है और पहली सवाल में उन्होंने कहा है कि दिए गए समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने कहा है क्या है हमारे पास? पहला समुच्चय है A। क्या है? A। उन्होंने कहा है A बराबर समुच्चय A B और C। क्या ज्ञात करना है हमें? हमें दिए गए समुच्चय का ही पूरक ज्ञात करना है, मतलब A डैश। क्या ज्ञात करना है? A डैश। तो A डैश ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? A डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? U माइनस A। U पर हमें ध्यान देना है और हमें U से ही आंसर लिखना है। U के वे अवयव जो A में नहीं है, U के वे अवयव जो A में नहीं है, मतलब U के कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो A में नहीं है? A B C को छोड़ दीजिए, A A से मैच कर गया, B से मैच कर गया, C से मैच कर दिया, तो कौन बचा? D E F G और H। ये रहा कौन? A डैश। क्या रहा? A डैश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में उन्होंने बी में दिया है, बी समुच्चय बी बराबर डी ई एफ जी। ठीक है, तो बी बराबर डी ई एफ जी है हमारे पास। हमें क्या ज्ञात करना है? बी डैश। बी डैश ज्ञात करने के लिए हमें यू माइनस क्या करना पड़ेगा? ए। ठीक, यू माइनस ए। यू माइनस ए के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें यू से लिखना है। अच्छा, यहां गलत हो गया, U की जगह क्या रहे, A की जगह क्या रहेगा? B रहेगा, U माइनस B। U के वे अवयव जो B में नहीं है, U के वे अवयव जो B में नहीं है, तो कौन कौन से हैं? कौन कौन है? D है, E है, F है, G। तो U में D E F और G को छोड़कर, D E F और G को छोड़कर कौन कौन से हैं हमारे पास? है A है, B है, C है। D E F और G छोड़ेंगे तो कौन और बचेगा? H बचेगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी डैश। क्या हो जाएगा? बी डैश। इसी प्रकार से उन्होंने सवाल नंबर तीन दी है। सवाल नंबर तीन में उन्होंने कहा है कि यदि C बराबर ए सी ई जी, यदि ए सी ई जी, यदि हमारे पास क्या है? C है और C बराबर क्या है? ए सी ई जी है। क्या है? ए सी ई जी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? C डैश। और C डैश ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? U माइनस सी। ठीक है, U माइनस सी का मतलब क्या है? U के वे अवयव जो C में नहीं है, तो C में जो जो है उनको छोड़ करके U से सभी अवयव को लिख लिया जाए, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? C में कौन है? A है, तो यहाँ से A नहीं लिखना है, B नहीं है, B लिखना है, C है, C नहीं लिखना है, D है, D लिखना है, E नहीं लिखना है, F लिखना है, G नहीं लिखना है और H लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्या रहा? C डैश। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या चार की ओर।
प्रश्न संख्या चार में उन्होंने कहा है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए समुच्चय डी बराबर एफ जी एच ए, तो हमें क्या ज्ञात करना है डी डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। तो डी डैश ज्ञात करने के लिए आप सूत्र लिखेंगे डी डैश बराबर यू माइनस डी, यू माइनस डी। तो यहां क्या हो जाएगा डी डैश बराबर यू माइनस डी का मतलब यू के वे अवयव जो डी में नहीं है, डी में कौन कौन है, ए है, एफ है, जी है, एच है, तो कौन कौन नहीं है, बी नहीं है और कौन नहीं है, सी नहीं है और कौन नहीं है, डी नहीं है और ई भी नहीं है, आगे एफ जी एस तीनों है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कौन डी डैश बी सी डी और ई। इस प्रकार प्रश्न संख्या दो में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या तीन पर। प्रश्न संख्या तीन में उन्होंने कहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संख्या को सार्वत्रिक समुच्चय मानिए, प्राकृतिक संख्या को हमें क्या मानना है सार्वत्रिक समुच्चय, तो देखिए हम यू लिख लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं, एक से शुरू होती हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये क्या है हमारी प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो गया समुच्चय, ठीक है। और आगे उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूरक, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए दिए गए समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली सवाल हम लेते हैं, पहली सवाल में उन्होंने कहा है कि x such that x एक प्राकृतिक सम संख्या है, क्या कहा है उन्होंने x such that x एक सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है कॉम्प्लीमेंट्री सेट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेट आपको दिख रही है ये फॉर्मेट कौन सी है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। हम इस फॉर्मेट को यह मानते हुए क्या माना समुच्चय A है, ये समुच्चय क्या है A, जिसमें वो क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो कौन हो जाएगा दो चार छः आठ, ये हमारा क्या है सम संख्याओं का समुच्चय है। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि दिए गए समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट्री ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है A डैश, क्या ज्ञात करना है A डैश। तो A डैश ज्ञात करने के लिए हमें क्या को करना होगा U माइनस A, तो A डैश बराबर हो जाएगा U से वे अवयव, U से वे अवयव या U के वे अवयव जो A में नहीं है, तो A में कौन कौन नहीं है विषम संख्याएं नहीं है, कौन नहीं है विषम संख्या, देखिए सम संख्याएं है ना दो चार छः आठ, लेकिन विषम संख्याएं नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट में वो क्या हो जाएगा विषम संख्याएं, क्या हो जाएंगी विषम संख्याएं एक तीन पाँच सात नौ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया A डैश हो गया, ठीक है पहला क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो में उन्होंने कहा है कि x such that x एक विषम प्राकृतिक संख्या, क्या कहा है दूसरे समुच्चय में x such that x एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है संख्या है। तो ये देखिए हम लोग अब क्या लिखेंगे, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं मान लेते हैं कि माना जो समुच्चय है वो कौन है B है, और ये फॉर्मेट कौन सी है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि की है। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे तालिका विधि में बदलेंगे, तालिका विधि में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक तीन पाँच सात, ये कौन सी फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट दिख रही है आपको ये फॉर्मेट है विषम संख्याओं का, कौन सी फॉर्मेट रोस्टर विधि या तालिका विधि। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है बी डैश, दिए गए समुच्चय का क्या पूरक समुच्चय, तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा यू माइनस बी, यू माइनस बी मतलब बी डैश बराबर यू माइनस बी, यू माइनस यू के वे अवयव जो बी में नहीं है, यू के वे अवयव जो बी में नहीं है, तो बी में कौन कौन है विषम संख्याएं हैं, तो निश्चित रूप से बी डैश में कौन होंगी सम संख्याएं होंगी, कौन होंगी सम संख्याएं दो चार छः आठ, ये क्या है हमारी सम संख्याओं का समुच्चय, किसका है सम संख्याओं का, ठीक है। तो देखिए
हम लोगों ने दो प्रश्न किया है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या तीन की ओर। उन्होंने कहा है प्रश्न संख्या तीन में यक्स सच दैट यक्स एक संख्या जो तीन का धन गुणज है, तीन का धन गुणज है, ठीक है। तो सबसे पहले दिए गए समुच्चय को हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में बदलेंगे, तो इसकी रोस्टर फॉर्मेट क्या हो जाएगी, हम लोगों ने बी तक मान लिया था, आगे मान लेते हैं इसे, माना सी बराबर तीन का गुणज तीन छ नौ बारह, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। हमें उन्होंने कंडीशन नहीं दी है इसलिए हम लोग इसे कहां तक लिखेंगे ये हमें पता नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया है डॉट, ठीक है। आगे देखिए हमें ज्ञात करना है सी डैस, सी डैस बराबर क्वेश्चन मार्क। सी डैस याद करने के लिए हमें पता है यू माइनस सी करना पड़ेगा, तो यू माइनस सी का मतलब है यू के वे अवयव जो सी में नहीं है, जो सी में नहीं है, तो कौन कौन से हैं, वो एक है और कौन है दो है, फिर क्या है हमारे पास तीन नहीं है, फिर चार है पांच है, फिर कौन छह नहीं है सात है आठ है नौ नहीं है दस है ग्यारह है बारह नहीं है, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो तीन के गुणज को छोड़कर शेष सभी संख्याएं जो होंगी वो सी डैश में लिखी जाएंगी, किस में लिखी जाएंगी सी डैश में लिखी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चार की ओर। प्रश्न संख्या चार, प्रश्न संख्या चार में उन्होंने कहा है समुच्चय x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं एक से बड़ी वे संख्याएं, अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे संख्या जो स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का अगर हम लोग समूह लिख रहे हैं तो मान लेते हैं यह समूह क्या है डी है, क्या है डी, ठीक है। डी में क्या लिखेंगे हम लोग, दो शुरुआत कहां से होगी दो, फिर तीन, फिर पांच सात, फिर ग्यारह इस प्रकार तेरह, फिर सत्रह, फिर उन्नीस, ऐसे बढ़ेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं, क्या कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। हमें क्या ज्ञात करना है डी डैश, क्या ज्ञात करना है डी डैश, तो डी डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डी डैश बराबर यू माइनस डी, यू माइनस डी अर्थात यू के वे अवयव जो डी में नहीं है, यू के वे अवयव जो डी में नहीं है, तो वो कौन कौन से हैं, एक फिर दो है हमारे पास, तीन है हमारे पास, चार नहीं है, पांच नहीं, पांच है तो पांच नहीं लिखेंगे, छह नहीं है, सात है, आठ नौ दस ग्यारह है, फिर क्या बारह तेरह है, फिर चौदह, इसी प्रकार से ये नंबर आगे बढ़ते रहेंगे और ये हो जाएगा हमारा क्या डी डैश, क्या हो जाएगा डी डैश। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए प्रश्न संख्या पांच की ओर। प्रश्न संख्या पांच में उन्होंने क्या कहा है, प्रश्न संख्या पांच है यक्स सच दैट यक्स तीन और पांच से विभाजित होने वाली एक संख्या, क्या कहा है यक्स सच दैट यक्स तीन व पांच से विभाजित होने वाली एक संख्या। तो हम लोग तीन और पांच देखें, तीन और पांच से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो सबसे पहली संख्या जो हमें मिलेगी वो कौन, मान लेते हैं माना ई, समुच्चय ई बराबर सबसे पहली संख्या क्या मिलेगी पंद्रह, उसके बाद कौन मिलेगी थर्टी तीस, फिर पैंतालीस, मतलब क्या हमें पंद्रह के गुणज लिखने हैं, क्या लिखने हैं पंद्रह के गुणज, तो हमें क्या ज्ञात करना है ई डैश, क्या ज्ञात करना है ई डैश। तो ई डैश ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ई डैश बराबर यू माइनस ई, ठीक है। हम आशा कर रहे हैं कि आप यू माइनस ई डैश क्या कर लेंगे, आप स्वयं से कर लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या छह देखिए। प्रश्न संख्या छह में हम, प्रश्न संख्या छह है यक्स सच दैट एक पूर्ण वर्ग संख्या, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है।
पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्या जो हमें मिलेंगी वो क्या, मान लेते हैं माना एफ बराबर पूर्ण वर्ग संख्या एक होगी, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है, फिर कौन चार होगा, चार का वर्ग दो होता है, फिर नौ, फिर सोलह, फिर पच्चीस, तो ये सब हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को हमने किससे लिखा है, एफ से, अर्थात हमें एफ डैश ज्ञात करना है, एफ डैश। तो एफ डैश ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर यू माइनस एफ, ठीक है, ये भी आप कर लीजिएगा, यू माइनस एफ, यू के वे अवयव जो एफ में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या सात की ओर। प्रश्न संख्या सात, प्रश्न संख्या सात में कह रहे हैं कि x such that x, x such that x एक पूर्ण घन संख्या, ठीक, देखिए x such that x एक क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले तो इस जो दी गई फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को क्या करेंगे, बदलेंगे, इसे क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं माना समुच्चय हमारे पास क्या है, जी है, जी में पूर्ण घन कौन हो जाएगा, एक का घन एक होता है, फिर कौन हो जाएगा, नौ हो जाएगा, आठ होगा, कितना होगा, आठ होगा, आठ का घन कितना होता है, पूर्ण घन दो का होता है, फिर कौन हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा सत्ताईस, फिर कितना हो जाएगा चौंसठ, ऐसे डाट 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 आगे तक, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, जी डैश, क्या ज्ञात करना है, जी डैश। तो जी डैश ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस जी, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आठ, यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स प्लस पांच बराबर आठ, प्लस पांच बराबर आठ, ठीक है ना। देखिए हमें यहां जो लिखना है वो क्या लिखना है, यहां x का वह मान लेते हैं, सबसे पहली बात तो मान लेते हैं हम g तक मान चुके हैं, तो इसे क्या मान लेते हैं, h, क्या मान लेते हैं, h, ठीक है। यहां x के कौन कौन से मान रखे जाएं कि जोड़ने पर क्या मिले हमें, आठ मिले, तो x का क्या रखा जाएगा, x का मान केवल क्या, तीन, केवल कौन, तीन, तीन रखेंगे तो तीन और पांच कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ तीन होगा हमारा यहां x का मान। तो ये जो हमारा, हमें क्या ज्ञात करना है, यच डैश ज्ञात करना है, यच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यच डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, यच डैश हो जाएगा यू माइनस यच, ठीक है ना, यू माइनस यच। आगे देखिए यू माइनस यच करेंगे तो तीन को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब अवयव लिखे जाएंगे यू से, युग में क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का है, एक दो तीन नहीं लिखा जाएगा, चार पांच छ सात, ऐसे डाट 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 आगे लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसे छोड़कर, तीन को छोड़ करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या नौ, प्रश्न संख्या नौ है x such that 2x plus 5 बराबर 9, x such that 2x plus 5 बराबर क्या, 9, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं समुच्चय i, क्या मान लेते हैं, i, i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x plus 2x plus 5 बराबर क्या है हमारे पास, 9, 5 को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे तो 5 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, तो ये जो 2x है प्लस 5 है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5, क्या हो जाएगा, माइनस 5, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे 2, x बराबर कितना हो जाएगा, 2, अर्थात यहाँ जो हमें i मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2, तो i का मान यदि 2 है तो हमें क्या ज्ञात करना है, i डैश, तो हमें i डैश ज्ञात करने के लिए u माइनस i, ठीक है, u माइनस i करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 नहीं होगा, 3, 4, 5 से सभी अवयव होंगे सिवाय किसके, 2 के, ठीक। आगे देखिए दसवें प्रश्न को, दसवें प्रश्न में उन्होंने कहा है x such that x is greater than equal to 7,
ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं क्या, मान लेते हैं, माना इस समुच्चय को j लिख रहे हैं, j बराबर क्या है, x की जो वैल्यू है वो 7 है और 7 से क्या है बड़ी, अर्थात 7 8 9 आगे की सभी वैल्यू क्या की जाएंगी इसमें मानी जाएंगी, तो ये हमारा जो समुच्चय हो जाएगा वो j बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, j डैश, j डैश के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, j डैश बराबर हो जाएगा U माइनस जे, यू के वे अवयव जो J में नहीं है, तो वो कौन कौन से होंगे, 7 से पहले की सभी संख्याएं होंगी बस केवल, वो कौन कौन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। आगे देखिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो अंतिम सवाल है 11वीं, कहा है उन्होंने 11वीं सवाल में, समुच्चय यक्स इज एलिमेंट ऑफ यन, और मतलब इस यन का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है यक्स। आगे उन्होंने कहा है 2x plus 1 इज ग्रेटर देन 10, कि 2x plus 1 का मान क्या हो, बड़ा हो 10 से, 2x plus 1 का मान क्या हो, बड़ा हो 10 से। तो हम लोग यहां j तक मान चुके हैं, इसे क्या मान लेते हैं, k, माना समुच्चय k बराबर क्या, x के यहां कौन कौन से मान रखे जाए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इस समीकरण को क्या कर लेते हैं हम लोग, इनइक्वालिटी को, असमीका को हल कर लेते हैं। असमीका कैसे हल करते हैं, देखिए 2x plus 1 is greater than 10, हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जब दोनों पक्षों में एक घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x plus 1 minus 1 is greater than 10 minus 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होके घट करके 0 हो जाएगा, 2x is greater than, यहाँ हो जाएगा 10 में से घट जाएगा तो 9, हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x is greater than, अच्छा 2x अपान क्या हो जाएगा, 2 is greater than 9 अपान 2, 2 से 2 यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो x is greater than, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5, अर्थात यहाँ जो समुच्चय लिखे जाएंगे वो 4.5 से क्या बड़े, मतलब 5, 6, 7, 8 ये सब संख्याएं यहाँ लिखी जाएंगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, k डैश का मतलब क्या होता है, k डैश मतलब u के वे अवयव जो k में क्या है नहीं है, वो कौन कौन से हैं, u के वे अवयव कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, 5 से पहले की सभी संख्याएं, कौन कौन सी, 4 तक, मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस प्रकार आपकी सवाल नंबर 3 भी क्या होती है, समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।